गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपडेट्स आएंगे आने वाले पूरे 3 महीने में, वो DGME.UP.GOV.IN में आते हैं। और कल ही अपडेट आ गया है, आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा जयपुर जोधपुर आया हुआ था देखने के लिए कि नए कॉलेजेस की स्टेटस क्या है और कितनों को परमिशन मिली है नहीं मिली। उसके लिए आपको अभी एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। सॉरी, लेकिन ये देखिए आ गया है नॉन मेरिटरी कॉलेजेस के बारे में नोटिफिकेशन। और सच बताऊं तो गुड न्यूज है काफियों के लिए और शायद बैड न्यूज है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि समिति के समक्ष तो किसी ने फीस इंक्रीज के लिए कहा ही नहीं, और इसलिए 26 कॉलेज की जो एनुअल फीस है वो एग्जैक्टली वही है जो 2023 की थी। तो जो आप लोगों के पास ऑलरेडी पैकेज की डिटेल होंगी, जितने भी ये फीस आपको नजर आ रही है, इसको आप 4.5 कर लीजिए। एसी हॉस्टल के 1,75,000 रुपये खाना मिला के, 85,000 रुपये मिसलेनियस चार्जेस मिला के, तो रफली स्पीकिंग जो मैं बार बार कहता था आपको कि भाई एज पर 2023 तो हम यूपीए के केस में कह सकते हैं, एज पर 2024 तो उत्तर प्रदेश वही 60-62 से पैकेज पूरा 63-64 से स्टार्ट होके हाइएस्ट 73 जाता है। ये देखिए 26 कॉलेज हैं फिलहाल, क्योंकि अभी जो नए कॉलेज को परमिशन मिली है वो देखिए परमिशन ही 6 जुलाई को मिली है, और उसके मुकाबले तो अब वो फीस उनकी निर्धारित की जाएगी और यूपी गवर्नमेंट चेक करेगी कितनों को परमिशन मिली है। तो उसके लिए अलग से फी ऑर्डर आ सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर SKS मथुरा का बाद में अलग से आया था। ओके, माइनॉरिटी कॉलेज का भी नहीं आया, वो हमेशा अलग से आता है। तो पांचों जो अपने पुराने माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, और इसको देख के लगता है कि शुभारती का फिर सिक्का नहीं चला है, और शुभारती फिलहाल तो इसी लिस्ट में है जो मतलब कि नॉन माइनॉरिटी की लिस्ट में। कोशिश वो बहुत कर रहा है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, तो शुभारती में अगर जाना है तो सोच समझ के जाइए। अब देखिए इसके मायने क्या है, सबसे बड़ा जो दिक्कत या मायना होगा वो ये होगा कि नाउ फीस भी लोएस्ट है और बगल वाला स्टेट जिसे हम कहते हैं हरियाणा, उसने फीस काफी बढ़ा दी है। जो प्रपोजल हमने देखा था कि नेट फीस है वो तो 20% बढ़ गई है। तो देखिए कभी बार क्या होता है कि आप एक हरियाणा के बच्चे हैं, आप हर पेड़ को लगता है बच्चा पास में पढ़े, तो NC पानीपत कह लीजिए या उस तरह के जो लेवल के कॉलेज हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे भी उनकी कट ऑफ लास्ट ईयर नीचे ही थी, बट आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए कि चलो ये था कि भाई यूपी में बजट जाना है 65 लाख, हरियाणा में जाना है 80 लाख, चलो जी बच्चा पास में पढ़ रहा है, कल्चरल वाला भी इशू रहता है कि भाई। लेकिन अब यूपी तो सेम रह गया और हरियाणा क्रॉस हो चुका है 90 लाख मिनिमम, वगैरह तो 1 CR प्लस है। उत्तराखंड का कोई भी कॉलेज अब 1 CR के नीचे नहीं होगा नेट पैकेज, आपका हिमाचल का एकमात्र कॉलेज तो ऊपर है ही, राजस्थान के सारे कॉलेजेस विद हॉस्टल मेस इवन राजस्थान के बच्चों के लिए ऊपर है। तो वी माइट सी कि जितने भी मेरिटोरियस बच्चे हैं 300+ वाले इस साल के संदर्भ में, वो सब यूपी आएंगे, और जो यूपी में नए कॉलेज भी अगर खुलेंगे तो उसमें भी प्रेशर पड़ सकता है। कम से कम राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी हिंदी पट्टी के स्टूडेंट्स का, तो उत्तर प्रदेश ही कट ऑफ बहुत ऊपर जाते हैं, मैं शायद इंटरप्रेट कर सकता हूँ। और उसका नतीजा दूसरा ये भी होता है कि बाकी स्टेट्स की कट ऑफ रिलेटिवली नीचे चली जाएगी। और मैं बार बार समझाता हूँ, कट ऑफ मतलब रैंक कट ऑफ, तो मार्क्स में तो हम ऊपर जा ही रहे हैं इस बार ना, क्योंकि तो पिछले साल के 230 इस साल के 310 हैं, जो मैं आपको कई बार समझा चुका, तो उस सेंस में तो कट ऑफ ऊपर जाने हैं। किसने मुझे बोला नहीं सर, कोई लोग मुझे ना, मेरे क्लाइंट्स दूसरे का वीडियो भी भेजते रहते हैं, मैं कहता हूँ भाई मार्क्स तो बढ़ ही रहे हैं, जो कॉलेज पिछले साल 400 नंबर पे मिल रहा था वो 500 पे मिल रहा, तो नंबर तो देखने ही नहीं है ना, रैंक देखनी है, और रैंक में मैं कह रहा हूँ और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो भाई अगर 6 लाख रैंक पे लास्ट ईयर यूपीए कॉलेज खत्म था 232 नंबर पे SKS, लेट्स से अगर हम इसी 26 कॉलेज की बात करें, तो वो 6 लाख रैंक अगर इस बार 310 नंबर वाले की है, तो क्या पता 6 लाख नहीं 5,80,000 पे चला जाए सिर्फ यूपी। वो मेरा पॉइंट अलग है कि काफी टॉपर्स शायद ड्रॉप भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड मार्क्स, तो वो मोटिवेशन मिल जाता है ड्रॉप करने का, बट उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ काफी प्रेशर आ जाएगा कॉलेजेस पे। और फिर से चाहे वो सरस्वती उन्नाव होगा चाहे कुछ होगा, हर कॉलेज को 300+ स्टूडेंट मिलेगा,
और उसके मुकाबले जो आसपास के हिंदी दिए एमपी वगैरह में तो सरकार फीस पे कर देती है बच्चों की, तो उनको तो खाली नारे सीट देनी होती है, बट ये जो फीस नहीं बढ़ी है इट इज़ वेरी गुड फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। कभी कभार जो होता है ना कि ज़्यादा फीस बढ़ने से फायदा हो जाता है कम स्कोर के वाले बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोड़ देते हैं, तो यूपी चीपेस्ट ही रह गया, बाकी फीसें अभी बढ़नी है। माइनॉरिटी की फीस अभी आएगी, आपको बता दी जाएगी। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। आज 13 जुलाई हो गई है और देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। शेयर कीजिए वीडियो को ताकि लोगों को पता चले, हमसे पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें आप जानते ही हैं 9643362320। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।